झूठ के साथ जुड़ा हुआ कोई भी रिश्ता लंबा चलता ही नहीं है। और यहाँ ज्यादातर सब रिश्ते झूठ से ही शुरू हो रहे हैं, विशेषकर जो विवाह हो रहे हैं वो तो उसमें तो झूठ मिलेगा ही मिलेगा। बेटे ने दसवीं जैसे तैसे पास करी है, लेकिन बताएंगे क्या, MBBS करते करते रह गया। दसवीं मुश्किल से पास की हो, वहां पे भी झूठ है कि ये बड़ी डिग्रियां ले रखे। बिल्कुल IAS अधिकारी बनने को तैयार ही था, वो तो बेटे ने मना कर दिया, उसका मन ही नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी झूठ भी बोलो तो लोगों को लगता है बड़ा बोलो, और विवाह में तो ज्यादातर चलता ही चलता है रिश्ते पे इतना झूठ पे झूठ। वो बेटे वाला बेटी देखने गया तो कहता है कि हमारा बेटा इतना भाग दौड़ करने में, इतना परिश्रम करने में और इतना आगे है कि वो एक पल चैन से आराम से बैठता नहीं, उसको कार्य करना बहुत पसंद है, कर्मठ बच्चा है, एक पैर पर दौड़े चला जाता है। ऐसा कहते हैं ना कि एक पैर पर दौड़ता ही रहता है, भाई ये बंदा बहुत परिश्रम करता है। कि प्रसन्न हो बेटी वाले कि दौड़ता है, इतना दौड़ता है, एक पैर पर भागा चला जाता है, बाकी था उसका एक ही पैर, पैर से लंगड़ा था। ये नहीं कहा कि पैर नहीं है, एक पैर पर ही दौड़ा चला जाता है। और बेटी वाले कम नहीं, उन्होंने कहा जी हमारी बेटी इतनी सुशील है, सबको एक जैसा देखती है, एक दृष्टि से सबको देखती है, और दृष्टि उसके भी एक ही थी। कह कोई सच नहीं रहा है, कह ये नहीं रहे कि भैया मेरे बेटे का एक ही पैर है, और वो भी ये नहीं कह रहा कि हमारी बेटी की भी आंख एक ही, वो भी कह रहा कि एक आंख से सबको सम दृष्टि, एक ही दृष्टि से देखती है, वो भेदभाव करती ही नहीं। ऐसी ऐसी चतुराइयों से रिश्ते जोड़ेंगे और बाद में तो पता चलेगी। ये लोग करते कहते क्या है कि बाद में क्या, बाद में पता चल जाए, पहले कुछ ना पता चले, यही बात की तो समस्या है। जो पहले पता चल जाए और फिर रिश्ता जुड़ेगा तो वो कभी टूटेगा नहीं, ये बाद में रिश्ते इसलिए टूट रहे, यही तो समस्या हो रही है। वो बेटे का ब्याही नहीं हो रहा, ब्याही नहीं हो रहा है, इसलिए क्या बड़ी समस्या है, बड़े परेशान है लोग कि विवाह नहीं हो रहा बच्चे का। क्यों नहीं हो रहा, बोले दसवीं पास नहीं हो रही इससे, इसलिए नहीं हो रहा। करो दसवीं पास, वो दसवीं पास उसको इसलिए नहीं करनी कि जीवन में कुछ बनना है, कुछ लक्ष्य निर्धारित किया, विवाह से बड़ा लक्ष्य ही इनके जीवन में कोई नहीं। अब बेटा बिगड़ गया, गलत आदतों में चला गया, तो माताएं कहती अब तो इसका छोरे का ब्याह जल्दी करो, गलत आदतें लग गई, शराब आदि में पड़ गया, किसी गलत आदत में पड़ गया, तो कहते विवाह जल्दी करो, क्यों एक एक लड़की की जिंदगी और बर्बाद करनी है। बोले नहीं नहीं, अपने आप सुधर जाए, वो आने वाली जो है सुधार लेगी, क्योंकि वो सुधार वाली मशीन है कोई। फिर बाद में तुम ही कहोगी कि मेरा छोरा पहले तो बहुत बढ़िया था, बाद में इसके आते ही बिगड़ गया। झूठ हमारे भीतर है, छल हमारे भीतर है, कपट हमारे भीतर है, इसलिए रिश्तों में खिलावट नहीं है, हर रिश्ता मुरझाया सा लग रहा है। कोई भी रिश्ता सच्चा छोड़ा कहाँ है, आज तो भक्त भी भगवान के साथ जुड़ा है, उसमें भी मिलावट है, शिष्य भी गुरु के साथ जुड़ा है, उसमें भी मिलावट। गुरु जी ने कह दिया गुटका छोड़ो तो गुरु जी छोड़ देंगे, लेकिन गुटका नहीं छोड़े, ये गुरु जी ठीक नहीं है, छोड़ने की बात करते हैं ये। आज सब में मिलावटी पन कर दिया। चिंतन करो इस बात पर,